जिन दोस्तों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बगल में लगी हुई बेल आइकन को हिट करें जिससे आगे आने वाले वीडियोस आपको रेगुलर मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रकाश मिहिर और आपका हमारे YouTube चैनल अमोली फ्रेंड्स में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि बताना चाहूँगा, कमेटी के जो हमारा यहाँ पे काउंटर बनाया गया है मेला कमेटी का, वहाँ पे पहुँच चुके हैं। उद्घाटन की सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं मेला कमेटी पे। यहाँ पे जो कारागार राज्य मंत्री जय कुमार सिंह जैकी आने वाले हैं, अभी थोड़ी देर में यहाँ पे पहुँच जाएंगे और मेला कमेटी में आकर के यहाँ पे फीता काट के उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन करने के बाद मेला की शुरुआत होगी। आपको बता दें कि 147वां अमोली का ये मेला आज से शुरुआत होने जा रही है। आप पीछे बोर्ड में देख सकते हैं, 1872 में इस मेला की शुरुआत की गई थी। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं मेला के, जो जिन्होंने मेला की शुरुआत देखी है या उसके बहुत लंबे समय से उस मेला की व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, मिलते हैं सब लोगों से, कौन कौन यहाँ पे है, कौन व्यवस्था देख रहा है, क्या कर रहा है, यहाँ पे बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। यहाँ पे बाबा जी आ रहे हैं जो मेला की यहाँ पे व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, लंबे समय से देख रहे हैं। बाबा से पूछते हैं कि मेला कितने समय से चल रहा है और यहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और किस तरीके से इस व्यवस्था को मैनेज किया गया है, बताएं बाबा। बाबा ने बताया कि मेला यहाँ पे 1872 से चल रहा है, 147वां मेला है। यहाँ पे बाबा संरक्षक के रूप में अभी तक अध्यक्ष से व्यवस्था यहाँ की देखते थे, अब संरक्षक के रूप में इस मेला की व्यवस्था को पूरा संभालते हैं। आप भी बाबा कितने समय तक यहाँ पे अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे मेला की व्यवस्था देखी है? हम 5 साल तीन साल प्रबंधक है और मेरा 10 वर्ष की अवस्था। बहुत लंबे समय से मेला की व्यवस्थाओं को देख रहे हैं और इतनी सुचारू रूप से इस बार मेला की बहुत अच्छे से व्यवस्था की गई है। बहुत ज्यादा दुकानें आई हुई हैं, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में, कल के वीडियो में बताया था कि बहुत ज्यादा दुकानें आई, इतने ज्यादा दुकानदार आ गए और कुछ लोग अभी आ रहे हैं, उस तरह से मेला को व्यवस्थित कर रहे हैं। यहाँ पे मेला के कोषाध्यक्ष जी श्री महेश जी त्रिवेदी, इनसे मिलते हैं, इनसे जानते हैं, बताएं मेला के बारे में कुछ, आप बताइए कि आप क्या कहना चाहेंगे मेला के बारे में। ये है कि मैं कोषाध्यक्ष के साथ साथ व्यवस्था प्रमुख हूँ, तो जो दुकानें लगाई जा रही हैं हमारे साथ का, तो नए वॉलंटियर भी हैं और कुछ पुराने साथी हैं जो इस मेला की व्यवस्था में साथ देखते हैं। किताब रूप से काफ़ी दुकानें लगवा चुके हैं, कुछ नई दुकानें जो बची है, जो कल तक हमने लगवाई आज लगवाई, अब कल सवारी के बाद पुनः वो मार्केट नए सिरे से पुनः वो दुकानें लगवाएं। कोई भी दुकानदार यहाँ से वापस नहीं जाएगा, सारी दुकानें लगेंगी। जैसा कि इन्होंने बताया कि सारे दुकानदार जितने भी आएंगे सबको दुकान की जगह दी जाएगी, और हमने पिछले बार, अभी पिछले वीडियो में बताया था आपको कि जो पुराने दुकानदार थे पहले उनको प्रायोरिटी दी गई है, उन लोगों को जगह दी गई मेला पे पहले, और जो नए लोग भी आ रहे हैं उनको किसी को निराश नहीं किया जाएगा, सभी को जगह दी जाएगी। मेला इतना पुराना हो चुका है, बहुत ही इसके पुराने इतिहास रहे होंगे, बहुत सारी यहाँ पे कहानियां रहे होंगी। मेला कैसे शुरू हुआ, यहाँ पे हमारे भी सबसे बुजुर्ग व्यक्ति श्री करुणा शंकर जी बैठे हुए हैं, उनसे जानते हैं कि मेला की शुरुआत कब हुई थी, कैसे हुई थी, इसके पीछे क्या कहानी थी अमोली के मेला की, क्योंकि बहुत सारे लोग हमको बराबर कमेंट कर रहे हैं, कुछ लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में कि वो जानना चाह रहे हैं कि अमोली के मेला की शुरुआत क्या हुई, इसकी कहानी क्या थी, तो जानते हैं। आप बताइए कि अमोली के मेला की शुरुआत कब से हुई और इसके पीछे क्या कहानी है? हमारे बुजुर्गों ने इस मेला को सारा का सारा वर्णन जिससे लाभ होता है और आर्थिक और प्रशस्त होता है। आज तो इस मेला में आने से बहुत प्रकार के लाभ हैं, अनेक प्रकार के लोगों से भी विचार मिलते हैं और अच्छे अच्छे विचारों से हम जिससे भविष्य में आने अच्छे अच्छे मार्ग में जाने का अवसर मिलता है। जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पे रामलीला की शुरुआत हुई, रामलीला के बाद मेला होता है, तो अभी हमारे बीच में और भी कुछ लोग हैं, आइए सबसे मिलते हैं, उनसे जानते हैं। अच्छे साहित्य कला केंद्र के मंत्री श्री कृष्ण कुमार सविता जी बैठे हुए हैं, इतिहास के काफी जानकार हैं और आपको जैसी जानकारी होगी कि अनुवाक और अनुकाल का प्रकाशन अच्छे साहित्य कला केंद्र के माध्यम से किया गया था, जिसमें कि
फतेहपुर जिले का पूरा इतिहास उन किताबों में वर्णित किया गया है। आपको पहले भी अपने ग्रुप के माध्यम से, अमौली फ्रेंड्स क्लब के माध्यम से आप तक ये जानकारी पहुंचा चुके हैं और जो कवि सम्मेलन होते हैं उनकी भी जानकारियां पहुंचाते हैं। ये हर वर्ष अमौली में कवि सम्मेलन का आयोजन करवाते हैं जिनमें क्षेत्र के और पूरे देश के बहुत बड़े से बड़े कवि यहां पर आते हैं, बड़े बड़े साहित्यकार आते हैं। तो इनसे जानते हैं कि अमौली मेला की शुरुआत के पीछे क्या कहानी थी, क्योंकि चाचा से अच्छी जानकारी शायद बहुत अच्छी जानकारी होगी, उन्होंने बहुत ज्यादा अध्ययन किया हुआ है यहाँ इतिहास के बारे में। तो जानते हैं कि अमौली के मेला की शुरुआत कैसे हुई थी, उसकी कहानी जानते हैं। ये अमौली का मेला 146 वर्ष पूरे कर चुका है। जहाँ तक मैं आपका साक्षात्कार कर रहा हूँ तो मैं यहाँ 46 वर्ष से लगातार इस मेले को देख रहा हूँ। इसका स्वरूप तो इस प्रकार का है कि इसमें राम चरित्र के आधार पर जो उसके किरदार हैं उनकी झांकियां बना करके और फिर उनको प्रस्थान कराया जाता है, नगर भ्रमण कराया जाता है और नगर भ्रमण कराने के पश्चात यहाँ मेले पर आकर के जो है इसको जो है सुरक्षित यानी व्यवस्थित किया जाता है, रावण वध का कार्यक्रम करते हैं। इसके पीछे कहानी इस प्रकार की आई है कि F.S. ग्राउस महोदय ने 18वीं शताब्दी में फतेहपुर गजेटियर में जो लिखा है, उन्होंने लिखा है कि ये अमौली एक भग्न नगरों का महल, भग्न महलों और इमारतों का एक शहर था छोटा, जिसमें रुई का व्यापार होता था। इसको रुआही अमौली के नाम से भी जानते थे। यहाँ पर बहुत दूर दूर से बंजारे आते थे अपने व्यापार के लिए। तो ये शुरुआत इस प्रकार इसकी सुनते हैं हमारे से बहुत सारे बुजुर्गों ने। यहाँ पर एक पथवारी लाल जी थे, बहुत बुजुर्ग मास्टर साहब थे, वो काफी अच्छा जानकार थे। उनके माध्यम से ये सुना गया था कि बंजारों का एक कुआं है यहाँ, उस वो बंजारों ने कुआं बनवाया और उसी के पास वो अपनी व्यापार की हर वर्ष की वहाँ से यात्रा करते थे। वहाँ जब रुकते थे तो रात्रि में वो दंत कथाओं के माध्यम से राम कथाओं की चर्चाएं करते थे और तत्पश्चात उस समय के लोगों ने, वो उस समय के संभ्रांत लोग थे, उन लोगों ने ये विचार किया कि चलो यहाँ पर रामलीला का कार्यक्रम कराया जाए और उस समय से ये रामलीला का कार्यक्रम बना, कमेटी बनी और तब से ही ये रामलीला का कार्यक्रम होता रहा। छोटे स्वरूप में प्रारंभ हुई थी रामलीला, इसके पश्चात इस मेले का प्रारूप बना और आज इसका इतना विकसित और बृहद स्वरूप है कि देश के कोने कोने से तमाम प्रकार के मेले में झूले इत्यादि, सर्कस इत्यादि सामान की बिक्री, लोहा यानी कुल मिलाकर गृहस्थी का जो भी सामान मिलता है, अमौली मेला इस क्षेत्र में ही नहीं बल्कि भारत के एक टुकड़े में, उत्तर प्रदेश के एक टुकड़े में इसकी विख्याति है। अमौली का बहुत श्रेष्ठ मेला है। आदरणीय अभी जो हमारे तत्कालीन संरक्षक आदरणीय पांडे जी हैं, दुर्गा प्रसाद जी, उन्होंने बताया कि अवस्थी जी को रामलाल जी अवस्थी पुजारी जी कहे जाते थे और वहाँ तो उन्होंने इसको जो है इसकी नींव डाली और यहीं से शुरुआत हुई। लगभग ये 146 वर्षवा 47वां यानी 147वां आज ये उद्घाटन। आज हमें शायद बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त हुई है, ये जानकारी हम किसी को नहीं थी, एक बहुत बड़ी जानकारी हमें प्राप्त हुई है और सारे लोगों की एक शायद जिज्ञासा शांत हो गई होगी कि अमौली के मेले के बारे में तो जानना चाह रहे थे कि अमौली के मेला कब से शुरू हुआ, क्या कहानी हुई। बंजारों की कहानी थी, दंतकांत की यहाँ पे कहानियां सुनाते थे राम जी की, रामलीला शुरू हुई, रावण वध हुआ और इसके बाद यहाँ पे रामलीला शुरू हुई। तो दोस्तों इसी तरीके से आप बने रहिए हमारे साथ और हम जो यहाँ पे सवारियां निकलने वाली हैं आपको हमारे दूसरे वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों बने रहिए अमौली फ्रेंड्स के साथ, नमस्कार।